हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजीज इस डेट व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड रिजल्टिंग इन डिसकम्फर्ट और डिसबिलिटी विद साइन एंड सिम्टम्स जब हमारे शरीर का एक से एक ज्यादा ऑर्गन अफेक्ट होता है जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट फील होता है हमारी बॉडी में साइन और सिम्टम्स के साथ जैसे हमारे शरीर में कई बार कोई डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से हमें फीवर हो जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और वो फीवर क्या होता है साइन और सिम्टम है उस डिजीज का जिससे हमें पता लगता है देर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर हेल्थ इज कॉल्ड डिजीज डिजीज कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स infectious or non-infectious. Infectious means disease which are easily transmitted from one person to the another. ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल जाती है ये मेनली किसी पैथोजन की वजह से फैलती है पैथोजन कैन बी एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड मलेरिया एड्स यहां अगर मैं मलेरिया का एग्जाम्पल लेती हूं तो मलेरिया किसकी वजह से फैलता है मॉस्किटो की वजह से जो हेल्दी पर्सन को अफेक्ट कर सकता है पैथोजन का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिज्म डिजीज इन अ होस्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी को फैलाता है किसी होस्ट के अंदर जैसे मॉस्किटो क्या करेगा किसी अनहेल्दी पर्सन से डिजीज को कैरी करेगा और हेल्दी पर्सन को अफेक्ट करेगा तो वो हेल्दी पर्सन उसके लिए क्या हुआ होस्ट हुआ कार्ड पैथोजन दे आर यूजली पैथोजन क्या हो सकते हैं दे कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया फंजाई वायरसेस आजकल डिजीज कौन सी फैली हुई है कोरोना सो so, वो किसकी वजह से फैली हुई है वायरसेस की वजह से तो वायरस क्या हो गया एक पैथोजन हो गया जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी को क्या करता है ट्रांसमीट करता है और उन्हीं डिजीज को हम क्या बोल सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज ठीक है देन सेकेंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकती फैल नहीं सकती अगर वो किसी एक इंसान को है तो वो उसी में रहेंगी फॉर एग्जाम्पल कैंसर डायबिटीज ये खुद की बॉडी की वजह से ही क्या होती है शरीर के अंदर ही अपने आप बन जाती हैं और उन्हीं की वजह से क्या हो जाता है डिजीज आगे बढ़नी शुरू हो जाती है और ये कभी भी फैलती नहीं है नाउ देर इज अ डिफरेंट वर्ड वडाइल टेस्ट वडाइल टेस्ट में क्या होता है ये टाइफॉयड डिजीज के लिए किया जाता है इट इज अरोलॉजिकल टेस्ट दैट कैन बी यूज फॉर डिटेक्टिंग टाइफॉयड सीरोलॉजिकल का मतलब क्या है सीरम से रिलेटेड है सीरम हमारे ब्लड का पार्ट है जिसको यूज करके हम इस टेस्ट को आगे प्रोसीड करते हैं टाइफॉयड किसकी वजह से होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी आज के लिए बस इतना ही बाकी हम कल की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू